अग्निपथ पर 13 राज्यों में बवाल हुआ, दो लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में हुआ। बिहार के 25 जिले सुलगने लगे। 10 ट्रेनों में आग लगा दी गई। रेलवे ने 234 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि प्रदर्शन से 340 ट्रेन प्रभावित हुए हैं। बिहार में भारी बवाल को देखते हुए 12 राज्यों में 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी, इन तीन शब्दों में उपद्रव वीरों के बवाल को समझा जा सकता है। आधा देश धरना प्रदर्शन आंदोलन की चपेट में है। यूपी, बिहार, तेलंगाना में तो हद पार हो गए। रेलवे स्टेशन हाईजैक कर लिए गए, ट्रेनें जला दी गई, सड़कों पर गुस्साई भीड़ उतर आई। जो लोग सेना में जाने का सपना पाले हुए थे, वो लोग देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगे। सबसे पहले आपको अग्निपथ पर हुई हिंसा की ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाते हैं। कितना नुकसान हुआ वो बताते हैं। देश के कुल 13 राज्य उपद्रव, तोड़फोड़, हंगामे और विरोध प्रदर्शन की जद में आ गए। बिहार और तेलंगाना में एक एक व्यक्ति की जान चली गई। दो दिन में 12 ट्रेनें फूंक दी गई हैं, जिनमें से अकेले बिहार में 10 ट्रेनें फूंकी गई। रेलवे ने 234 ट्रेनें रद्द की हैं, जबकि प्रदर्शन से 340 ट्रेनें प्रभावित हुई। उपद्रव बढ़ने पर 12 जिलों में इंटरनेट सेवा 19 जून तक बंद कर दी गई। बिहार में 25 जिलों में जमकर बवाल हुआ। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, आरा और सुपौल में एक एक ट्रेन आग से खाक कर दी गई। बक्सर, नालंदा में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। अग्निपथ को लेकर बिहार में क्या हालात हैं, ये समझने के लिए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की एक दो नहीं बल्कि 7 बोगियों को स्वाहा कर दिया। ये लोहित एक्सप्रेस है, समस्तीपुर से क्रॉस करती है और गुवाहाटी से जम्मू तवी तक जाती है। यहाँ पर सुबह 5:30 बजे का वक्त था, जब पैसेंजरों की यहाँ पर भीड़ थी। यहाँ पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया। उत्पात ऐसा जिसमें हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई भी यहाँ पर उनके ऊपर कोई ऐसी अनहोनी ना हो, और इसी बात का ध्यान रखा जा रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर इस समय भी फायर ब्रिगेड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि आग अभी भी लगी हुई है और उसे बुझाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अग्निपथ स्कीम को लेकर आप विरोध कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन उग्र विरोध, ऐसा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिकरण करना इसका, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर देखें आप, जो ये ट्रेन है वो पूरी तरीके से झुलस चुकी है, अभी भी तपिश इसमें बाकी है, और उसके अलावा जो ऊपर का पूरा हिस्सा है वो झुलस चुका है, उसके अलावा स्ट्रक्चर झुलस चुका है। और हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा उत्पात पूरे देश में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ ये झुलसी हुई जो बोगी दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है इसमें। आप ये समझिए कि ये वही ट्रेन है जिसके जरिए रिक्रूटमेंट रैली के लिए या फिर अपने रिक्रूटमेंट के लिए जो छात्र या एस्पिरेंट हैं वो जाते हैं, लेकिन अब इन ट्रेनों को उन्होंने पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया और अब इस ट्रेन में कुछ भी नहीं बचा। समस्तीपुर के बाद लखीसराय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। पूरी तरह से जल चुकी ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है, जो भागलपुर से आनंद विहार तक जाती है। जब इस ट्रेन में आग लगाई गई, तब इसके अंदर पैसेंजर मौजूद थे। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। ये लखीसराय रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि भागलपुर से आनंद विहार जाती है, उसको उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। ठीक सामने इस समय आग की लपटें और धुआं सामने है, और इसीलिए जैसे ही उपद्रवी यहां पर आए, उन्होंने एक एक करके इसके 2400 डब्बों को आग के हवाले किया। ठीक पीछे पहला डब्बा जिसमें से आग और धुआं दोनों निकल रहा है, जो कि गार्ड रूम है, उसके बाद जनरल बोगी के 2 डब्बे, वो आग के हवाले हुए, और फिर उसके बाद यहां पर उपद्रव स्लीपर क्लास से होते हुए एयर कंडीशनड जो बोगी थी वहां तक पहुंचा, और उपद्रवियों ने चारों तरफ से घेरा और फिर डंडे, बेसबॉल, लोहे के रॉड्स के जरिए इन गाड़ियों को आग के हवाले किया। पहली बोगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 6ठी बोगी है, और क्योंकि अब इन बोगीज को जो शेड है वहां पर ले जा रहे हैं। सरकार ने एज लिमिट को 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया है, लेकिन छात्र 1% भी मानने को तैयार नहीं है। दानापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर देखिए। यहाँ मुसाफिरों से भरी ट्रेन को आग लगा दी गई। यहाँ देखिए फरक्का एक्सप्रेस मालदा दिल्ली, और ये आगे की तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी जल गई है। अब
और किस तरह से आवाजें हो रही हैं, आप देखिए लगातार आवाजें भी हो रही हैं, और इसमें कुछ सामान भी हमें दिखाई दे रहा है। ये सामान यात्रियों का है। अच्छा, इस ये यहाँ देखिए कुछ यात्रियों का सामान है, कपड़े हैं वो भी इसमें रखे हुए थे, और पूरा शीशा जल यहाँ जो टूटा हुआ है दिखाई दे रहा है। ये आपका सामान है सारा, आप ट्रेन में थी उस समय? हमारा थैला भी नहीं मिला है सर, थैला भी नहीं मिला है। आप लोग ट्रेन में सवार थे? हाँ सवार थे। कहाँ से आ रहे हैं? वो मालदा जिला से आ रहे थे। कहाँ जाना है? हमको दिल्ली जाना है। तो ट्रेन में और जो यात्री थे सब उतर गए थे? कोई कोई बैठा था, और ऐसे आदमी आदमी सब मर रहा था, तो आदमी को बोला जाते देखो तुम लोगों को नहीं मारने का, हम लोग गाड़ी के ऊपर में। देखिए बच्चों के जूते, ये कपड़े, पानी का बोतल, ये सब लोगों का छूट गया। तो आप लोग अपने सामान को हटा नहीं सके क्या? भागा भागी में हम हटा नहीं पाए, इतना ज्यादा एक ही पे हावी हुए कि हम लोग भागने के लिए कितने आदमी तो सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, बच्चों का सर फूट गया, कूद के बाहर निकले हैं। बहुत सारा आदमी आके पत्थर लेटा, सब कुछ चूर दिया, अति कर दिया। हम सबको चोट लगाए सर, पीठ में चोट लगाए, जितना पत्थर मारा कहने के बाद नहीं, कपाड़ फूट गया। सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं के घरों दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास पर पथराव किया गया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर में भी उपद्रवी घुस गए। बेतिया में संजय जायसवाल के घर पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने गेट तोड़ा तो वो भी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पहले दरवाजे को दोनों साइडों से तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुसते हैं, जिसके बाद गेट का मेन ताला तोड़कर और भी लोगों को बुला लिया जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। मधेपुरा में बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया। उपद्रवियों ने काफी देर तक बीजेपी ऑफिस को अपने कब्जे में रखा, फिर तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।